वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी योगेंद्र कृष्ण नारायण की देखरेख में महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ लगातार नगर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए जरूरतमंदों तक भोजन का वितरण भी किया जा रहा है। महिला थाने में थाना प्रभारी की टीम अपने हाथों से जरूरतमंदों के लिए भोजन तैयार कर रही है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें पैक भी कर रही है। लंच पैकेट तैयार होने के बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम जरूरतमंदों को भोजन वितरित करने के लिए रवाना भी होती है। इस दौरान महिला थाने की आरक्षी गुंजन, पूजा, मुख्य आरक्षी उमा देवी, संगीता सिंह, उप निरीक्षक अखिलेश यादव व कन्हैया का भोजन बनाने से लेकर पैक करने तक में बड़ा योगदान रहता है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने बताया, की टीम है लगातार नगर और देहात के क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है, लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान हम लोगों को जो भी जरूरतमंद लोग लगते हैं उनके पैक मध्य हम लोग लंच पैकेट भी वितरित करते हैं। ये लंच पैकेट जो है हमारे महिला थाने की टीम द्वारा अपने थाने पर ही तैयार किया जाता है और ये सब हम लोग अपने सहयोग से करते हैं। कितने दिनों से चालू है कार्यक्रम? ये जब से लॉकडाउन हुआ है उसके दूसरे दिन से हम लोग का ये कार्यक्रम चालू है और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये हम लोग करते रहेंगे। रोजाना कितने पैकेट लंच हम लोग रोजाना 200-250 पैकेट हम लोग वितरित करते हैं। भ्रमण के दौरान जो भी लगता है कि इनको अभी ये खाना नहीं बना सकते, इनको राशन देने पे भी ये अभी खाना बनाने में सक्षम नहीं है, उन लोगों को हम लोग ये लंच पैकेट वितरित करते हैं।